तो चलिए अपने शहर के एक फेमस जगह पे ले चलते हैं। वैसे तो हमारे शहर में बहुत कुछ नहीं है घूमने लायक, छोटा सा शहर है हमारा, फिर भी कुछ चीज़ें हैं जो कि काफ़ी फेमस हैं। उसी में है ये लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो पिछले दिनों कुछ मेहमान आए थे जिनको घुमाने के लिए हम लोग लेके गए थे, और क्योंकि कहाँ घुमा सकते हैं, हमारे शहर में तो कुछ घूमने लायक वैसा खास है नहीं, तो इसलिए हुआ कि चलो भाई लॉर्ड कॉर्नवालिस घुमा देते हैं। तो हम लोग यहाँ आ गए हैं और देखिए यहाँ पे ये टिकट ले रहे हैं। तो ऑनलाइन पेमेंट करना था और ऑनलाइन ही बुकिंग टाइप का था, पहले टोकन मिलता था यहाँ पे। तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, हम सब भी अच्छे हैं। और आ गए हैं मेहमानों को घुमाने, तो यहाँ की सुंदरता देखिए आप लोग, कितना ही खूबसूरत ये लगता है जगह। और यहाँ पे बस ये जो बिल्डिंग आप देख रहे हैं, ये एक मकबरा है जो कि लॉर्ड कॉर्नवालिस का है। तो यही यहाँ की खूबसूरती है, और बाकी जो ग्रीनरी है चारों तरफ वो अच्छा लगता है। यहाँ पे लोग पिकनिक मनाने आते हैं, 1 जनवरी को घूमने आते हैं, काफ़ी स्पेस में बना हुआ है और काफ़ी जो है हरियाली है, वही सारी चीज़ें लोग देखने आते हैं। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं, ये दूर से छोटा दिख रहा होगा लेकिन पास से ना इसमें बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे हुए हैं जो बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो यही एक दो चीज़ें हैं जहाँ पे हम लोग अपने शहर में किसी को घुमा सकते हैं। तो बस हम लोग निकले थे, बच्चे नहीं आए थे क्योंकि उन लोगों का स्कूल था, और कुछ मेहमान आए थे, स्पेशल गेस्ट थे, तो वो लोग बहुत दूर से आए थे तो उनको हम लोग यहाँ पे घुमाने ले आए थे। धूप तो बहुत तेज़ थी लेकिन भाई कोई आया है और बोल के आया है तो चलना तो पड़ेगा ही ना, तो हम लोग यहाँ पे चल दिए घुमाने के लिए। और देखिए जैसे जैसे पास आते जाएंगे ना, वैसे वैसे इसकी खूबसूरती दिखती जाएगी। और काफ़ी बड़ा है ये, काफ़ी एरिया में है, तो पास से जब आप देखेंगे तो खूब बड़े बड़े इसमें पत्थर लगे हुए हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। और मैं ना यहाँ शादी के बाद पहली बार आ रही हूँ, शादी से पहले तो मैं कई बार यहाँ आई हूँ लेकिन शादी के बाद इनके साथ फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। क्योंकि ये लगता है ना कि घर के पास ही है और फिर गए ही हैं, तो ऐसा होता है कि नहीं जा पाते हैं, लेकिन जब आना हुआ ना तो लगा कि हाँ कभी कभी आना चाहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चे स्कूल की तरफ से यहाँ आते रहते हैं पिकनिक मनाने, जब भी एक साल में एक बार इन लोगों का पिकनिक वगैरह छोटे थे तो होता था तो यहीं पे आते थे, तो बच्चे घूम लेते हैं और हम लोग देखे हुए हैं, तो बार बार नहीं आने का मन होता है लेकिन जब कोई कह देता है तो इसलिए साथ में लेके आना पड़ा। तो देखिए कुछ इस तरह की बिल्डिंग बनी हुई है, यही जो है आकर्षण का केंद्र है, और इसकी वजह से ना हमारा शहर जाना भी जाता है क्योंकि ये बहुत फेमस चीज़ है। आप अगर सर्च करेंगे तो लॉर्ड कॉर्नवालिस का ये मकबरा बहुत ही अच्छा लगता है। बाकी जो है चारों तरफ सिर्फ हरियाली हरियाली है, इतनी धूप में भी यहाँ पे बहुत ज़्यादा धूप नहीं लग रही थी, तो शाम सुबह में लोग टहलने भी आते हैं। पहले टिकट वगैरह नहीं लगता था, अब तो खैर टिकट वगैरह लग रहे हैं, ऑनलाइन बुकिंग करना पड़ता है, उसके बाद आधार कार्ड वगैरह भी लगता है तब जा करके हम अंदर आ पाते हैं। पहले ऐसा कुछ नहीं था, पहले एकदम फ्री था, कोई भी आ जाता था। तो इस तरह से हरियाली के बीच में ये बहुत ही सुंदर है, तो आप लोग भी देखिए और कमेंट करके बताइएगा ये कैसा लग रहा है आप लोगों को। शाम हो गई है और मैं यहाँ पे चाय बना रही हूँ, चाय पी लेंगे उसके बाद चलेंगे छत पे। तन्वी गई है छत पे क्योंकि पानी डालने के लिए, आज कोचिंग नहीं गई है, उसके मुंह में ना छाला हो गया, यहाँ पे बहुत बड़ा छाला हुआ है इस वजह से नहीं गई है आज। और तन्वी खेल रहे हैं बाहर, इनकी आज छुट्टी रहती है तो खेलने आज नहीं गए, घर ही पे हैं। और इनके सर तो आते हैं रात में 8:30 बजे के करीब, चाय पी लेंगे इसके बाद चलिए छत पे। आज छत पे ना बहुत अच्छे से क्लीनिंग करवाया है, धुलाई करवाया है पूरे छत की, पूरे गार्डन की, तो चलिए दिखाती हूँ। साफ सुथरा हो गया, बहुत धूल हो रहा था ना और पत्ते वगैरह झड़ के भी ज़्यादा हो गए थे, तो ज़्यादा टाइम हो जाता है, लगभग 1-1.5 महीने पर एक बार खूब अच्छे से मैं क्लीनिंग करवाती हूँ, फिर साफ़ सफाई वैसे ही होती रहती है। तो चाय बना लेती हूँ, मम्मी को दे लूँगी, उसके बाद चलिए चलते हैं। कहाँ चाय बना रहे थे? हाँ, पानी डालना है मुझे नीचे, नहीं डालना उधर, डाल लूँ? हाँ, नहीं, है? नहीं। कब पड़ेगा तब? तुम अलग जगह पर बैठो। कुछ पौधों में पड़ा है लेकिन कुछ सूखे हुए हैं। बेटा मैं सोच रही थी कि दीदी ऊपर डाल रही है तो मैं डाल दे, कुछ सूखा हुआ। देखिए ये पूरी मिट्टी सूखी हुई है और ये लड़का पानी नहीं डालने दे रहा है मुझे खेलने के चक्कर में। यहाँ पे भी थोड़ी सी क्लीनिंग करवाई थी, धुलाई, अब सुबह झाड़ू लगेगा ना तब ये साफ हो जाएगा। देखिए पौधों की मिट्टी सूख रही है कुछ की,
कुछ की तो भैया डाल दे, देखिए पत्तियां झुलस रही हैं धूप की वजह से, इतनी प्रॉब्लम है, बहुत गर्मी है भाई। इन सब में डालना होता है छोटे छोटे में बहुत ज्यादा, तो इनको रोज करना पड़ता है। कब तक गेम चलेगा, कब तक? पानी डालना था मुझे। तो गाइस ये भी आ गए हैं, चाय पीना है, इनको चाय दे करके मैं जा रही हूँ छत पे अपनी चाय लेकर के। चले देखते हैं तन्वी क्या कर रही है ऊपर। सही बात है, बेवकूफ। हाँ तो कम ही कम डालना, नहीं तो जो जिसमें जो गीला है उसको नहीं डालना। क्यारियों में हम डाल रहे थे ज्यादा ज्यादा पानी। अच्छा। दोनों बच्चियां मिलके पानी डाल रही हैं, एक साइड का हो गया। हाँ। साफ लग रहा है छत? नहीं ऐसा कुछ खास। ओ पूरा धुलाई हुई है छत की, ऐसा कुछ खास नहीं कर रही हो? देखो कितना कबाड़ निकला है, चलिए आपको कबाड़ा दिखाती हूँ। इतना काम है मेरे पास, ये सारा देखिए सारा कबाड़ा, कबाड़ इकट्ठा करके रखा हुआ है। अब इन सब से आने वाले दिनों में कुछ बनेगा, सब कुछ ये सब कबाड़ है, सफाई करके निकलवाया है। पूरी साफ सफाई हो गई है, पूरे छत की धुलाई भी हुई है। क्या लियो बेटा? देखो सारा पत्थर ये बीन करके रखी हुई है गमलों से निकाल के। कहाँ से निकाली हो? डाल दो वहीं पे बेटा, ले आओ डालो उसमें, सजा दो, तो डाल दो उसमें, जिसमें से निकाली हो उसमें डालो। उस पे नहीं डाली थी ना, ऊपर किसमें? अच्छा इसमें। हाँ तो देखो हम डाल दे रहे हैं, बच्ची को मेरे छाला हो गया है मुंह में, जाना को ऐसे ही काट देना दे थी। उफो उसमें डाल दो, अच्छे से खा भी नहीं पा रही है आजकल। गलत सब नहीं बोलते हैं, गलत बात है। चलो मामा है पूछ रहे थे मौसम कैसा हुआ, पूरा बादल लगा हुआ है, बारिश हो जाए मजा आ जाए। हाँ गर्मी से राहत हो जाएगी, देखो पूरा बादल लगा हुआ है। हाँ ये बस सही है, बढ़ जाएगी। यहाँ छोड़ी है ये लोग, तो मैं डाल देती हूँ। बहुत सारा काम है गार्डन में, मुझे समय ही नहीं मिल रहा है कि मैं कुछ करूँगा। एक तो धूप गर्मी इतनी ज़्यादा हो गई है कि क्या करूँ, दोपहर में कुछ करने का मन ही नहीं करता है। पानी मिलता होगा तो कितना राहत लगता होगा इन सबों को, धूप में जले हुए पौधे हैं, मैं महसूस कर लेती हूँ कि इन सबों को कितना अच्छा लगता होगा पौधों को जब पानी मिलता होगा तो, गर्मी के बाद धूप के बाद। हैं हम पिछले जन्म में पौधा थे, हम पिछले जन्म में भी ह्यूमन ही थे, पौधा नहीं थे। छत साफ हो जाता है ना तो बहुत राहत लगता है, गार्डन साफ रहता है तो क्यों नहीं बनता होगा। तो अब धीरे धीरे आने वाले दिनों में कुछ काम शुरू करना है और गार्डन के लिए मुझे बहुत सारी तैयारी करनी है, थोड़ा सा इसमें कुछ चेंज भी करना है, वो सारे चीज़ होते रहेंगे। आजकल जो है तन्वी पानी देने का काम संभाल लेती है तो थोड़ा सा टाइम मुझे शाम को बच जाता है पानी डालने वाला, तो उस टाइम में मैं कुछ करूँगी, देखती हूँ आगे। बहुत सारा कबाड़ जो इकट्ठा किया है उससे कुछ बनाऊँगी। तो होप ये छोटा सा व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा, व्लॉग अच्छा लगा है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, दोस्तों में शेयर करिएगा। फिर मिलते हैं एक नए व्लॉग में, तब तक के लिए थैंक यू।